जब हम कुछ बोलते हैं उसको ध्यान से नहीं करते, क्या बोल रहे कि खाली हम कह रहे थे आप बीजेपी पर कभी बैठा हुआ था तो कह दिया कि नहीं हम आपके साथ, अरे हम साथ, हमने तो अपने अधिकारियों को कह दिया कि मेरा जो भाषण है उसको भी आप लोग रिलीज कर दीजिए, नहीं तो बेचारे प्रेस वाले तो पहले बहुत चीज छापते थे, अब आजकल सब पर रोक लगा दी, हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है आप, अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज पेपर में कि आ गया है हमको बड़ा तकलीफ, लेकिन लेकिन दोस्ती की बात जो आपने कर दी, हम देखिए हम अलर्ट करते हैं, आपके बयान पर हम आप लोग देखिए सबसे बड़ा है कि जब हम कुछ बोलते हैं उसको ध्यान से नहीं करते, क्या बोल रहे सही था, वहाँ हम बता रहे थे कि यहाँ पर के बारे में जब तय हुआ कि वहाँ पर बनेगा तो उस समय कांग्रेस की सरकार जब तय किया हमको भेजा था कि साहब हम वहाँ बिहार में भी बनवाएंगे तो आप करिए, तो ही हम देख करके हमने कहा कि भाई देखिए वहाँ पर बनना चाहिए, समझ गए ना, और वहाँ के बारे में कहा कि भाई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू आए 1917 में, अभी भी ये भाषण सुन रहे थे जी, तो 1917 में आए और पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद जो इतना ज्यादा समूचा है आप समझ लीजिए, उसमें पूर्वी पश्चिमी चंपारण तो दो हिस्सा में बंटा है, लेकिन वहीं पर गए और किस तरह से लोगों को तंग किया जाता वहां पर, आंदोलन जो हुआ उनका तो जा करके ठीक ठाक हुआ, और उसका उन्होंने देखा कि कहां पढ़ाई नहीं ये नहीं, तो खुद भी आकर के अश्रद्धे मैडम भी आकर के यहां पर बैठ करके पढ़ाई कराती रही, एक एक चीज है ना, जा करके हम एक एक चीज को देखे ना, एक एक चीज को विकसित हुआ है, और बोलिए 100 साल पूरा होने के बाद तो ये जो हम लोग कितना बड़ा बड़ा काम 2017 में करें, और एक एक चीज़ के बारे में हम बताएं उस समय कि वो चूंकि राष्ट्रपिता से रिलेटेड है चंपारण, यहीं पर बनाइए, तो पहले कहा ठीक है, और उसके बाद कुछ साल के बाद नहीं बना रहा था तो हमको कहा कि नहीं साहब वहाँ तो बन नहीं सकता है पूर्वी चंपारण में, जो गया में बनाई, हमके देखिए गया तो पौराणिक स्थल है बनाइए। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS कुमार टावर बोरिंग रोड पटना। हमको कोई दिक्कत नहीं, गया भी बनाइए, लेकिन गया का बनाइए एक अतिरिक्त तो वहाँ का बनाइए, तो बाद में एग्री किया और दूसरा भी बनाने के बारे में तय किया, हम यही वहाँ के लोग जो बैठे हुए थे सब पार्टी के लोग, तो हम उसी में सबको कहे अरे याद है ना जी ये सब ओरिजिनल चीज को भूल जाओगे कि आज बन गया तो सब आ रहे हैं राष्ट्रपति और कोई भी तो लग रहा है कि असली चीजवा, इसके लिए हम लोग कितना प्रयास किए यहाँ, और सबको बताए कि सोच लो 2005 से जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो कहाँ से शुरुआती हम करते हैं, वहीं से ना, और जब हम पूरी यात्रा करते हैं सालों भर तो वहीं ना शुरू करते हैं जी, यही हम बोल करके लोगों को कह रहे थे कि आप सब ये सबको याद रखिएगा ना, तो सब ताली बजा के कहा याद, यही बात हुई, लेकिन हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है आपके, अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज पेपर में कि आ गया है हमको बड़ा तकलीफ, लेकिन लेकिन सब दोस्ती की बात जो आपने कर दी, हम देखिए हम अलर्ट करते हैं कि जो काम राज्य सरकार के द्वारा बिहार में किया गया उसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो लोग झूठे खाली केंद्र की बात करता है, अब आप लोगों पर तो वैसा कब्जा हो गया, हम तो बोल ही दिए, तो जब हम कुछ बोलते हैं उसको छापते अब हैं, पहले तो थोड़ा बहुत छापते थे, अब आजकल आप पर और प्रतिबंध लगा दिया, तो जो हम बोले उसको तो नहीं छापे,
हमने तो अपने अधिकारियों को कह दिया कि मेरा जो भाषण है उसको भी आप लोग रिलीज कर दीजिए। तो क्या करें, नहीं तो बेचारे प्रेस वाले तो पहले बहुत चीज छापते थे, अब आजकल सब पर रोक लगा दिया कि खाली हम कह रहे थे, अब बीजेपी का भी बैठा हुआ था तो कह दिया कि नहीं हम आपके साथ, अरे हम साथ हैं कि आप जो हम इतना काम किए, किसी के कहने पर काम किए, मेरी इच्छा थी ना, आप जान लीजिए ये मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, मेरी इच्छा है, और उसमें वो लोग सब सहयोग में थे। तुमको कहे कि इसको भूलना नहीं, याद रखना कि कितना ज्यादा काम यहाँ हुआ, यही हम बोले, लेकिन क्या उल्टा पुल्टा छपा। तब अगले दिन तो हम फिर दोबारा गए तो हमने फिर भाषण में दे दिए ना यहाँ, हमने कहा ठीक है भाई मेरा मत छाप। पुराने लोगों से दोस्ती की बात कर रहा है, आपने जो दोस्ती की बात कही, अब सुन लीजिए आप, सुशील मोदी जी तो पहले क्या थे आप जरा बताइए, आप भूल गए सुशील मोदी जी का, आप लोगों को तो पहले ना बता दिए हैं, वो कब थे यहाँ बोलिए, इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी चेयरमैन, और उनको बना दिया आप जनरल सेक्रेटरी, आ कौन थे हम, कहाँ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग, और उसी में सब जीत करके आए, तो सब पुरनका चीजवा, आज जब तक साथ में तब तक ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया, हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, छोड़िए हमको कुछ नहीं कहना है, और खूब छपता है उनका, खूब छपाओ, लेकिन हमको अब कोई मतलब नहीं है। सब कुछ है, अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं, हम कहे के लिए कहीं किसी व्यक्ति की दोस्ती की बात नहीं, बीजेपी वाले लोग दबाव बना रहे आरजेडी पे, अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा, व्यक्ति का दबाव तो यही है, आपको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे, हम आगे छोड़ देंगे, सर ऐसा नहीं, नाराज काहे के लिए, हम नहीं नाराज, हम काहे के लिए नाराज हैं, आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, हाँ उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है, और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे, आज आप पूछ दिए तो हम आपको कह दिए, हम वैसा कुछ नहीं बोले थे, आप जरा ले लीजिए जो आपके अधिकार वहां पर था, उसे पूछ लीजिए बेचारे से, मेरा भसनवा ले लीजिए।